तो जय जय श्री राधे। आज आप सभी के लिए राधा रानी के चरणों में बरसाना में आपके लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइस में प्लॉट लेकर आया हूं, वो भी आसान किस्तों में। हाँ जी, आप सभी के लिए बरसाना लोकेशन में आसान किस्तों में प्लॉट्स। तो वीडियो कृपया करके पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना, ब्रज में वास मिलने के लिए ना आपको ठाकुर जी और राधा रानी से परमिशन लेना होता है। वृंदावन में तो वास मिलना बड़ा आसान है एक बार को, लेकिन बरसाना में जब तक हमारे प्यारी लाडली जी का, राधा रानी जी का आप पे असीम कृपा ना हो, आप यहाँ पे वास नहीं कर सकते। आपने देखा भी होगा कि वृंदावन लाखों भक्त आते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने, लेकिन कुछ ही भक्त ऐसे होते हैं जो बरसाना राधा रानी के दर्शन के लिए आ पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको ब्रज में वास करना है, अब ब्रज में रहना है, तो पहले आपको सारा चीज़ ईमानदारी से करना होगा। तो आज आप सभी के राधा रानी के चरणों में बरसाना धाम में आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आ चुका हूँ अपना वास बनाने के लिए, अपना एक सपनों का घर बनाने के लिए। और ख़ासकर ये है कि यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी मिलने वाला है वो है आसान किस्तों में और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, राधा रानी मंदिर से मात्र 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारी ये प्रॉपर्टी होने वाली है। मंदिर से जब आप ऊंचा गांव आते हैं और ऊंचा गांव से जब आप सुनहरी गांव की तरफ चलते हैं, तो उस रोड पे हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये आती है। प्लॉट साइज यहाँ पे 100 गज 200 गज के मिल जाएंगे। 15 महीने के आसान किस्तों में है। 10% आप देके बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पेमेंट प्लान भी आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन क्या होने वाला है। राधा रानी मंदिर से ऊंचा गांव होते हुए जब आप सुनहरी गांव की तरफ आते हैं और ये जो रोड है ये डीग गांव डीग के लिए निकल जाता था, उस रोड पे हमारी ये प्रॉपर्टी होने वाली है। नियर बाई में बहुत सारे दिव्य स्थान हैं जो आपको दर्शन करने भी चाहिए। मैं एक बार लोकेशन बता देता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट के आसपास कौन कौन से मंदिर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले ललिता सखी मंदिर भी हमारे पास में ही है और 56 कोटा दर्शन, ठीक है, चित्र विचित्र शिला सखी कूप, यहाँ नज़दीक में ही आपको श्री जी गौशाला भी है, सुखदेवी सखी का मंदिर भी है, विमला कुंड भी है, श्री वृंदा देवी मंदिर भी है, कामवन भी है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि अपने ब्रज में ही गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है जी, अमरनाथ, केदारनाथ, ये सारे मंदिर यहाँ पे हैं। हाँ जी, कई लोगों को पता होगा लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा। मैं बता दूं कि जब भी अगर आप ब्रज में आते हैं तो एक बार आप जरूर लिस्ट चेक करें कि कौन कौन से मंदिर ब्रज में आता है। सिर्फ 2-4 मंदिर आप दर्शन ना करें, बहुत सारे प्राचीन मंदिर है जिसका आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और यह ब्रज में बसने का आपके मन में भाव हो, श्रद्धा हो, तभी आप यहाँ ब्रज में वास कर सकते हैं। एक अपनी छोटी सी कुटिया बना के रह सकते हैं, एक छोटा सा अपना निवास घर बना के रह सकते हैं, क्योंकि श्री जी की और ठाकुर जी की असीम कृपा होगा तभी आप यहाँ पे अपना एक वास कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको तो जी दर्शन तो छोड़ो, एक तिनका भी आप यहाँ पे नहीं ले पाओगे, ठीक है जी। तो इसलिए मन में सच्ची श्रद्धा हो तभी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ले पाओगे। तो हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है श्री जी गार्डन, ऊंचा गांव सुनहरी गांव के बीच में आप आता है, मंदिर से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। प्राइस की बात करते हैं तो 8100 रुपये कैश में और 8500 रुपये आसान 15 महीने के किस्तों में मिल जाएगा। लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, तो दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। विजिट करने के लिए आप डायरेक्ट साइट पर भी आके अपने यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आपको लोकेशन दे दिया जाएगा, 24 घंटे हमारे साइट पर एक केयर टेकर रहते हैं तो वो आपको प्रोजेक्ट दिखा देंगे। तो इसलिए जब भी अगर आपको वृंदावन में आना हो या बरसाना आना हो या गोवर्धन आना हो और कहीं भी प्रॉपर्टी लेना हो, तो एक बार आप हमारी टीम से ज़रूर यहाँ पे संपर्क करिएगा हमारी टीम से। और प्रॉपर्टी लेने से पहले एक बार जरूर यहाँ पे राधा रानी मंदिर या जो भी और मंदिर है तो दर्शन कीजिएगा, क्योंकि ब्रज में बहुत सारे आपको दुर्लभ दर्शन के मंदिर है। तो आप टाइम निकाल के आएँ, फैमिली के साथ आएँ। और यहाँ पे आप एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी अगर ब्रज में आते हैं या कहीं भी तीर्थ स्थान पे आप दर्शन करने जाते हैं तो कृपया करके गंदगी ना फैलाएं, जो भी कचरा हो अपने साथ ले जाए। तो एक छोटी सी वीडियो थी जहाँ बरसाना धाम में बहुत सारे लोगों को प्लॉट चाहिए, 8100-8500 रुपये रेट में यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो बोलो राधे राधे।